नीना। जी भाबो। खूब चटपटा और तीखा खाने का मन कर रहा है ना थारा? हाँ भाबो। बढ़िया है, खाने पीने का और जिंदगी का मजा तो तू ही ले रही है। खूब आराम से जी ले बेटा, किसी बात की परवाह ना करी। भाबो आप मारी तारीफ कर रहे हो, इसका मतलब है मारे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझ करीब से के गलती हो गई भाबो? थाने तो हर छोटी छोटी बात याद दिलानी पड़े है। इतना भी ध्यान ना होगा ना कि आज एकादशी है, बरत है थारा। बरत? हाँ। खबरदार खबरदार जो बाजार का चटपटा खाई है तो ला जरा पीसा दिखा। ये नहीं जो नीचे गठरी में बंधा है ना वो दे, जल्दी खोल। भाबू मारे पास तो ज्यादा पैसे कोनी। बीननी पटरी पर आ जा, जिस दिन मारी बुद्धि हिलेगी ना तो थारी जीवन की पटरी भी हिल जाएगी। भाबू आप हुकुम दो बस मैं जा। ये मत कहना, चल जा। तेरे घर फोन किया था मैंने कल, जिसने फोन उठाया उसने शायद फोन ठीक से रखा नहीं, और मैंने सुना कि कैसे तेरी सास तुझ पर किसी हार की चोरी होने का इल्जाम लगा रही है। प्रीति तूने तूने अंकुर भैया को तो नहीं बताई ना ये बात? नहीं थैंक्स। पर मेरे कुछ कहने या ना कहने से बात खत्म तो नहीं हो जाती ना संध्या? आई एम शॉक्ड। संध्या मैं मानती हूँ कि तू अपने ससुराल वालों का, अपने पति का बहुत सम्मान करती है, पर तूने किया क्या है? क्या किया कि तुझे इतनी इंसल्ट सहन करनी पड़ रही है? अरे अपने घर पे भी किसी नौकर पे भी चोरी का इल्जाम लगाने से पहले हम 10 बार सोचते हैं, और यहाँ घर की बहू पर एक हार चोरी होने का इल्जाम? संध्या ये इल्जाम तुझ पर नहीं, तेरे संस्कारों पर है, अंकल आंटी की परवरिश पर है, उनके चरित्र पर है। तू मेरे साथ था। संध्या संध्या तू वो लड़की है जो इन्हीं पुष्कर की गलियों से एक अनजान औरत के पर्स के लिए अकेले चोर के पीछे भागी थी। झूठ धोखा चोरी से ऐसी नफरत करने वाली संध्या आज अपने ऊपर चोर होने के इल्जाम को लेकर कैसे चुप है? क्यों संध्या, क्यों संध्या को मौत देकर एक डरी हुई एक दबी हुई बहू को जिंदगी दे रही है? बाहर निकल इन सबसे संध्या, बस एक बार हिम्मत करने की बात है। मैं हूं ना तेरे साथ। ये पेपर्स है, जयपुर वुमेन्स हॉस्टल का एप्लीकेशन फॉर्म है, सूरज जी से तेरे डिवोर्स पेपर्स। तेरी बात समझने की कोशिश कर संध्या, मैं जानती हूं कि यह आसान नहीं है, लेकिन जब चोट लगती है तो जख्म को अपने अंदर सड़ने तो नहीं दिया जाता ना। सारी जिंदगी इस दर्द को सहते हुए खत्म कर देने से अच्छा है जख्म को निकाल कर फेंकना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। संध्या राठी नहीं, संध्या कोठारी असली संध्या है, और उसके सपने उसके मम्मी पापा के अरमान और उनका त्याग उसका इंतजार कर रहे हैं। ठंडे दिमाग से सोच और कदम आगे बढ़ा, और मैं जानती हूँ कि संध्या कोठारी मेरी तो क्या अपने भाई की भी मदद नहीं लेगी। तो संध्या तेरे पास स्कॉलरशिप है, और अपने सपने पूरे होने तक कोई भी पार्ट टाइम जॉब करके तू अपना खर्चा खुद उठा सकती है और आगे बढ़ सकती है। ये रख,
जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है, पर हमेशा नहीं करेगी। आज तेरा है संध्या, कल शायद ना हो, तो ठीक से सोचकर निर्णय लेना, और अगर ठीक ना लगे तो फाड़ देना। भाभी जी, सूंघना खाने से ज्यादा महंगा है। अरे सूंघने थोड़ा ना आई हूँ, खाने आई हूँ। हाँ, लेकिन आज पैसे कोनी उधारी देते हो? अरे मजाक कर रही थी। आज एकादशी है और आप लोग ये खा रहे हो, मारा तो व्रत है। हाँ जेठ जी, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? दुकान का सामान लेने आए होंगे। मारे पहाड़ी वाले बाबा, मारी जीप को प्रसन्न करने के लिए जेठ जी को भेज दिया, बढ़िया है। इन्हीं से पैसे मांग लेती हूँ, ये तो घर पे बताएंगे भी नहीं कि पैसे लिए थे मीना ने। आ रहे आ रहे। अरे जेठ जी, आप यहाँ? दुकान का सामान लेने आए होंगे, मारी को कह देते। मीनाक्षी, मैं यहाँ पे दुकान का सामान लेने नहीं, बल्कि तुमसे बात करने आया हूँ। अब तो बोलिए। आइए। इनको क्या काम है? हाँ जी जी, क्या कहना था आपको? मीनाक्षी, वो जो तुम्हारी भाभी का हार तुम्हारे पास है, उसके बारे में बात करनी है। हार? मारे पास कौन सा हार? कोई नाक्षी, मैं कोई यहाँ पे तुम्हारा झूठ सुनने नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूँ वो हार तुम्हारे पास है। इतना बड़ा इल्जाम मारे पास? वो हार तो जेठानी जी ने अपने भाई को ना दे दिया था। ओह, भाई को दिया था? तो फिर ये क्या है? ये मारी फोटो है। मारी फोटो कैसे आप? ये कैसे? भैया, बिजली कहाँ से चमकी? बिजली को नहीं, हमारा हार चमका है। ये तो हमारे साथ जादू मंत्र हो गया। मीनाक्षी, ये बिहार कहाँ है? इससे बहुत बड़े भूल हो गए जेठ जी, मैं तो बहुत बड़े पापन निकली, अपने घर में चोरी कर डाली। अरे को माफ कर दो, माफ कर दो जेठ जी, अरे को माफ कर दो जेठ जी। मीनाक्षी, गलती आपने की और उसका परिणाम आपकी भाभी ने भुगता। मीनाक्षी, अभी 2 मिनट पहले तुमने क्या बोला कि मैं तुम पे इल्जाम ले रहा हूँ, और वो तो सच है। जो इल्जाम तुमने अपनी भाभी पे दिया है वो तो झूठ है ना मीनाक्षी, तुम जानती हो, और तुमने देखा भी कि बात कितनी बढ़ गई थी। मीनाक्षी, इंसानियत के नाते भी भाभों को एक बार आके तो ये बोलती कि भाभो ये सब झूठ है। रिश्तों को तो छोड़ो मीनाक्षी, तुमने तो इंसानियत के नाते भी ये भाभू का के नहीं बुला के कि जेठानी जी निर्दोष है, वो चोर झूठी और चालबाज नहीं है। जेठ जी, मैं मानती हूँ कि चुप रह के मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, पर उसकी भी वजह है। वो हार है ना, वो मैंने अपनी बहन की शादी के लिए बनवाया था, अपनी बहन की शादी के लिए, अपने मायके वालों के लिए कुछ बनाना,
और भाभों को ना बताना, भाभों को अच्छा को नहीं लगता, आप तो जानते ही हैं। आपको याद है आपने भी एक सोने का लॉकेट खरीदा था, भाभों को पता लगा तो भाभो कितना नाराज हुई थी, याद है ना आपको? वो आपसे इतना लाड करती है तब भी आपको कितनी बातें सुनाई। मैं तो घर की भीड़ नहीं हूँ, मारे को तो पहले गाजर मूली की तरह छीलती अब फिर काटती, इसलिए मैंने को नहीं बताया। अरे घर वाले, अरे माता पिता, अरे बहन को सिर्फ शादी में आशीर्वाद ही दे सकते हैं, लेकिन मैं तो बहन हूँ ना, अरे को तो चिंता होगी ना अपनी बहन की शादी की। बस इसी चिंता में मैंने एक सोने का हार बनवा दिया। मारे को क्या पता था कि उसकी जिंदगी बनाने निकलूंगी और खुद कुएं में जाके गिर जाऊंगी। और अगर इसके बाद ही आपको यकीन ना आए ना, तो आपको कुंदन सुना रहा ना, उससे पूछो, और मैंने उसी से लिया था। सचमुच 3 महीने पहले ही हनुमान गली में ऐसा ही एक हार बन के गया है। चोरी हुई थी, उस चोरी में ये सोने का हार भी चोरी हो गया था। जब चोरी का सामान वापस आया तो भाभों ने सारे जेवरों के साथ वो वाला हार भी जेठानी जी के हाथ कर दिया। अब आप ही बताइए, मैं कैसे कहती भाभों को कि भाभों ये हार मारा है। इसलिए मैं चुप हो गई, अंदर ही अंदर घुटती रही कि बहन को शादी में के दूंगी। के बाद जब आप लोग गांव की शादी से वापस आए तो मारा पापी मन, मारा पापी मन देखो मुझसे क्या करा बैठा। चोरी करते वक्त मारे ख्याल में भी ना आया था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। बेचारी जेठानी जी को, उनके भाई को ना अपमान सहना पड़ेगा, मारे को कोनी खबर दे। जेठ जी, जेठ जी मुझे माफ कर दो, जेठ जी मुझे माफ कर दो, अब मारी जिंदगी आपके हाथों में है, बाबा को कुछ मत कहना, बाबा तो मुझे घर से बाहर निकाल देगी, जूते मार के बाहर निकाल देगी, और ये तुम्हारे को छोड़ ही देंगे, अरे तो माँ भी ना रखेगी मारे को, मैं क्या करूंगी, मैं तो कुएं में जान दे दूंगी। भाई साहब, आपसे विनती है कि आप लोग जाइए, अपना काम कीजिए, जाइए। मीनाक्षी, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अगर मैं चुप रहा तो वो हमारी भाभी के साथ ना इंसाफी होगी। बहुत कुछ छीना है उसने, उनके माथे से इल्जाम हटाना ही होगा। सुई ने तो ऐसे हाथ में पकड़ी है जैसे खंबो पकड़ लिए। ससुराल जाएगी तुम्हारी नाक कटवाएगी, ध्यान से कर वरना ये आलू की तरह ना तने छील के रख दूंगी। देखे के है राम मोरे। भाबो, गेहूं पिसवा के ले आई हूं मैं। आजा, मारे माथे पर रख दे, अंदर जाकर रखते हैं। तो ले संतोष, छील दिया मैंने। पहली बार काम बोले है तो जता रिया, इमे कोनी नाक सको। ओके
बाबू चाय। यहाँ रख दे, अब आलू के चिप्स अलग अलग कर दे। वही करती हूँ बाबू। संतुड़ी, ए संतुड़ी आ गई है। गणगौर की पूजा के लिए बुआ बुआदी आए कि नहीं? सूरज की बीनने की तो आप पहली गणगौर है ना, खूब धड़ाके से मनाना। सूरज की बीनी कणकोर तक इस घर में होगी तब की बात है ना दाईसा। के मतलब? अरे संतुड़ी, अरे गणगौर पर बहु सास रह मना होगी तो कटे जावेगी। हमारे कहने को मतलब है कि बीनी का भाई आया है, हो सके भाई बहन ने साथ लेकर जावे और फिर मैके में जाकर ही जितने धड़ाके करने हैं कर लिए। हो मेरे राम जी, सांस में सांस आई है मारे। अरे इतनी सी देर में हजार कहानियां गढ़ ली थी। अरे संतुड़ी एक बात बता, बीनली ने लिवाण है इस बार सूरज खुद जावेगो या आया में से कोई ना भेजेगी? पेट में दर्द हो रहा है, पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है संतोष। दहीसा आपकी नजर बड़ी तेज है, जब भी आती है ना हमारे पेट में दर्द शुरू हो जावे है। अच्छा संतुड़ी मैं चालू हाँ, ले चतुड़ी चाय में चीनी कम है। ऐसी औरत को देख के पेट में तो दर्द होगा ही। गई ये हनुमान गली की जासूस। संतोष तू तो होश ही खो देगी, जरा सा तो ख्याल कर, दूसरों के सामने कुछ भी बोले तो। लिया। ये काम है ने? कितनी देर इज्जत और ढककर रखेंगे हम? ठाकुरों की हवेली और बहु नई नवेली, इस पर दुनिया की नजर रहती है कि मौका मिले और नीचा दिखा दे। गलती तुम्हारी है ना, मैं ही गुस्से में मोहल्ले में सबके सामने नाची थी कि 15 दिन में बीनी लेकर आऊंगी, तभी तो ये हाल हुआ है। जल्दबाजी में तो घिया ही न गले, तो फिर ये तो बीनी है। एक ना एक दिन इसके नाम के जूते तो पड़ेंगे ही ना माथे पर। बाबू अंकुर भैया ने जो गहने गिरवी रखकर बैंक से कर्जा लिया है उसके कागज है। इसमें लिस्ट भी है उन गहनों की जो भैया ने बैंक में रखे हैं। और उनकी तस्वीरें भी देख कर जाँच कर लीजिए कि इसमें उस हार के बारे में लिखा है या नहीं। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।